Hello parents and my dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject English, Chapter 6, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ मूविंग फर्दर टू द चैप्टर पार्ट. स्टूडेंट्स टेक आउट बुक एंड नोटबुक. लेट अस स्टार्ट द question answers of chapter number 6. So take out your books and turn to page number 154. That is page number 154. So we have to start with the question answers. Aaj hum question answers start karenge. So students, you have to write it in your notebook. Take out your notebooks also. Aap apni notebooks pe nikal lijiye. Aapko apni notebooks mein ye likhna hai. So, answer the following questions. So, it is saying that you have to give the answers of the following questions given. Answer, jawab dena the following. Niche diye gaye questions, sawalon ke. So, aapko niche diye gaye sawalon ke jawab dene hain. Now, let me read the first question for you. Why do we celebrate? CELEBRATE celebrate Dashehra. DUSSEHRA. So it is asking, why do we celebrate the festival Dashehra? Why? Kyun do we hum celebrate manate hain दशहरा? दशहरा त्यौहार. सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं. सो लेट अस राइट द आंसर. वी सेलिब्रेट CELEBRATE सेलिब्रेट. स्टूडेंट्स राइट इट प्रॉपरली. सेलिब्रेट दशहरा DUSSEHRA दशहरा as a symbol 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 of the victory 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 of good over evil evil full stop. So it is saying that we celebrate Dashehra festival as a symbol of victory of good over evil. We hum celebrate manate hain Dashehra parv as a symbol ek pratik ke roop mein of the victory kiska jeet ka of good achhai ki over evil burai par. So it is saying that hum दशहरा फेस्टिवल इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो एक प्रतीक है अच्छाई की जीत का बुराई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का एक वो प्रतीक है, सिंबल है. आई होप यू हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर. लेट अस मूव टू द सेकंड वन. व्हाट इज रामलीला? नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज रामलीला. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. व्हाट क्या इज है रामलीला? रामलीला क्या है? यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि रामलीला क्या है. विच सीन्स आर एनेक्टेड ENACTED एनेक्टेड ऑन द स्टेज. सो इट इज आस्किंग व्हाट इज रामलीला एंड विच सीन्स आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज. विच कौन से सीन्स दृश्य आर एनेक्टेड दर्शाए जाते हैं ऑन द स्टेज मंच पर. सो यहाँ पूछ रहे हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि
कौन से दृश्य मंच पर दर्शाए जाते हैं? रामलीला क्या है और कौन से दृश्य मंच पर दर्शाए जाते हैं? सो योर आंसर विल बी, राइट डाउन योर आंसर, रामलीला डिस्क्राइब्स, DESCRIBES, डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, DRAMA, ड्रामा, फुल स्टॉप. सो इट इज सेइंग रामलीला इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ राम डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा. रामलीला डिस्क्राइब्स दर्शाती है, द स्टोरी कहानी ऑफ राम, राम की, इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, ड्रामा के रूप में. इन द फॉर्म ऑफ का मतलब है रूप में, ऑफ अ ड्रामा, नाटक के रूप में उनकी जीवन की कहानी दर्शाई जाती है. रामलीला में राम भगवान के जीवन की कहानी दर्शाई जाती है. एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ एज नारद मो, राम जन्म, राम विवाह, वनवास एक्सेट्रा आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज. सो इट इज सेइंग दैट एवरी डे हर रोज, मैनी बहुत सारे सीन्स, दृश्य ऑफ राम्स लाइफ, राम के जीवन से, एज जैसे नारद मो, राम जन्म, राम विवाह, वनवास एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि, आर एनेक्टेड दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं ऑन द स्टेज. सो हियर इट इज सेइंग दैट हर रोज कई सारे सीन्स राम की जिंदगी से जुड़े हुए, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, वनवास आदि स्टेज पर, मंच पर दर्शाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट रिटन डाउन इट, राइट इट नाउ. ओके, यू कैन सी देम. ओके, सो राइट इट फ्रॉम हियर. इफ यू हैव मिस्ड समथिंग, यू कैन हैव अ लुक. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा? सो इट इज आस्किंग हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दिस फेस्टिवल दशहरा. हाउ, कैसे डू चिल्ड्रन, बच्चे एंजॉय मजे करते हैं ऑन दशहरा, दशहरे पर. सो योर आंसर विल बी चिल्ड्रन, राइट डाउन, चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा, DUSSEHRA दशहरा, इन मैनी वेज. सो इट इज सेइंग दैट यूजुअली चिल्ड्रन एंजॉय इन मैनी वेज ऑन दशहरा, चिल्ड्रन बच्चे इंजॉय मज़े करते हैं ऑन दशहरा, दशहरे पर, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया है कि बच्चे दशहरे पर बहुत सारे तरीक़ों से मज़े करते हैं. दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क. सो इट इज सेइंग दैट दे प्ले वेरियस रोल्स सच एज राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर एंड आर्म्स एंड मास्क. दे वे प्ले निभाते हैं द रोल्स किरदार ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे किरदारों का रोल प्ले करते हैं, लाइक राम, जैसे राम, हनुमान एंड और राक्षस यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए हैंडमेड पेपर आर्म्स, हाथ से बने हुए पेपर आर्म्स, कागज़ के हाथ एंड और मास्क. सो यहाँ कहा गया है कि बच्चे कई तरीक़ों से मज़े करते हैं और वे कई सारे किरदार निभाते हैं, जैसे राम, हनुमान और राक्षसास. स्पेलिंग आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स राक्षसास की, RAKSHASAS यूजिंग हैंडमेड, HAND हैंड, MED मेड, हाथ से बनाए हुए पेपर आर्म्स एंड मास्क. सो इफ यू हैव वोंट रिटन
yet you can write it now. Okay, the last question, what was Ravan's fault? So here it is asking, what was the fault of Ravan? So what, kya, was, tha, Ravan, fault, galti. So Ravan ki bhool kya thi, galti kya thi. So yahan pucha gaya hai ki Ravan ki galti kya thi, aapko answer likhna hai. Ravan's fault was that he kidnapped Sita and took her to Lanka. So here it is saying that Ravan's fault was that he kidnapped Sita, the wife of Ram, and took her to Lanka with him. Ravan's fault, Ravan ki galti, was thi, that ye ki, he, usne kidnapped, apaharan kiya Sita, Sita ka, and or took her, le gaya usse to Lanka, Lanka le gaya. So the sentence is saying that Ravan ki galti ye thi ke usne Sita ka haran kiya aur unhe apne saath Lanka le gaya. So students, if you have missed something, you can have a view over here, click a picture of this and do it after the video. Okay, so we are done with the question answers of this chapter, and you have to learn and write this question answers in your homework. Also, send it before 9 o'clock every day in the WhatsApp group 7568077458 on this WhatsApp number. Don't forget to send your homework before 9 o'clock. Aapko students yahi question answers achhi writing mein karke apne homework mein WhatsApp number 7568077458 par bhejne hain. Okay students, I hope you like the video. Thank you for watching.